प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन एवं दीपावली समारोह सेकंड नंबर स्टॉप नर्मदे भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कि विभिन्न संगठनों के प्रांत अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के समस्त जिले एवं संभाग के पार्टी जिला ब्लॉक तहसील के जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। सबने मिलकर सतीश शर्मा प्रांत अध्यक्ष पर विश्वास एवं आस्था और मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के समस्त संगठनों के प्रांत अध्यक्ष उपस्थित रहे, जिसमें तहसीलदार संघ के संरक्षक जेपी माली, मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, अन्य संगठनों के प्रांत अध्यक्ष, मोर्चे के संयोजक सब सिंह, महेंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, एलएन कैसालिया, अश्विनी चौबे, धर्मेंद्र सिंह, मेहंदी दीक्षित, फ्रेंड गूगल वीरेंद्र खोगल, संरक्षक अमित सिंह, अनिल वाजपेयी, विजय रघुवंशी एवं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पूर्व प्रांत अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष विकी शर्मा, अशोक प्रताप सिंह, एनडी वैष्णव, रमाकांत द्विवेदी, अनीता सारस्वत, समस्त 10 संभागों से आए प्रतिनिधियों ने अपना उद्बोधन दिया और अत्यधिक संख्या में उपस्थित रहे। सम्मेलन में पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक पीसी शर्मा जी भी उपस्थित रहे, जिन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया एवं अति शीघ्र ही मुख्य सचिव से मुलाकात कर मांगों का निराकरण किया गया, जिसमें प्रमुख मांग है कि नवीन संवर्ग को नियुक्त दिनांक से वरिष्ठ दी जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए, 35 वर्ष का सम्मान वेतनमान क्रमांति के आदेश किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा किया जाए और आउटसोर्सिंग पदोन्नति एवं विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से विचार किया गया। संगठन को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के घटक दल होने के नाते समस्त प्रांत अध्यक्षों ने कहा कि हम सब मिलकर शासन से हमारी महत्वपूर्ण मांगों को निराकरण किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न के मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रांत अध्यक्ष उपस्थित रहे। आज नर्मदा भवन में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन और दिवाली समारोह मिलन समारोह आयोजित किया गया है। हमारे सभी जिलों के साथीगण, पदाधिकारीगण, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारी, संभागीय, जिला और विकासखंड और हमारे साथ में समस्त कर्मचारी संगठन जो इस समय विधिवत अपना कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी कांग्रेस के प्रेम साधक आदरणीय वीरेंद्र खोगल जी, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, रघुवेतन कर्मचारी संघ, इन सभी ने आकर के हमारे साथ ये दिवाली मिलन का समारोह जो है उसको किया है और हमारे साथ मनाने का मनाया है। हाँ, हमारा सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा कर्मचारियों का शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चाएं की गई, जिसमें मुख्य समस्या जो आ रही है पदोन्नति क्रमोन्नति, अध्यापक संवर्ग की 35 वर्ष का समयमान वेतनमान जो कि सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानाध्यापक को नहीं दिया गया है, और अर्जित अवकाश का नगदीकरण। हमारे यहाँ जो अर्जित अवकाश होता है उसकी पात्रता शिक्षक संवर्ग को नहीं होती है, उसके लिए भी विचार विमर्श किया गया और हमने जो है मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन भी अपने माध्यम से भेजने का प्रयास किया और पुरानी पेंशन समस्या थी उसका समाधान भी हुआ। हाँ, हमारी बड़ी लंबी समस्या थी उच्च पद पदोन्नति वाली, लेकिन शासन शासन होता है, उसने जो है उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसा कर दिया। हमारे साथी आदरणीय राज कर्मचारी संघ के सुभाष शर्मा जी है, उन्होंने संयुक्त उस सहायक शिक्षक शिक्षक मोर्चा के माध्यम से पदोन्नति के चक्कर में और इसके उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उठाई, लेकिन अंततः ये हुआ कि उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जो एक उच्च पद प्रभार जिसे कहा जाता है और सभी विभागों उन्होंने लागू कर दिया शासन ने, जिसका न ही किसी शिक्षक को लाभ है और न ही अन्य किसी कर्मचारी को। काम उससे डिप्टी कलेक्टर का लिया जा रहा है, लेकिन बेचारा है कैसी लाए। हम लोग
अभी हमारा दिवाली मिलन समारोह था और शिक्षकों की से हमारी रणनीति तैयार कर रहे हैं और क्रमशः जो है हम आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और सिर्फ एक शिक्षक समाज ही नहीं रहेगा इसमें, इससे हमारा हर कर्मचारी वर्ग पीड़ित है और संयुक्त मोर्चा के माध्यम से और अन्य सभी संगठनों को एक करके हम शिक्षकों की समस्याओं को भी साथ मिलेंगे और सभी संगठन जो मिल करके एक बड़ा जो है आंदोलन बराबर से चलाएंगे। मैं आप बताना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की प्रदेश महासमिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके प्रांताध्यक्ष सतीश शर्मा जी ने, चूँकि मोर्चे के प्रमुख घटक संघ भी है, उन्होंने मोर्चे के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया। और निश्चित रूप से शिक्षकों की जो समस्या है वो बहुत अच्छी नहीं है, उनको वरिष्ठता का निर्धारण है, आए दिन उनका स्थानांतरण होना, ये तमाम, क्योंकि शिक्षक के समाज नहीं है, शिक्षक कोई नेता नहीं है, शिक्षक एक प्रतिभा है और व्यवस्था है जो केवल शैक्षिक व्यवस्था के लिए सीमित नहीं है, पूरे देश और प्रदेश में उसका अपना सम्मान है और ऐसे कर्मचारियों का सम्मान के साथ साथ उनके मांगों पर निराकरण के लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार विभिन्न प्रकार के निर्णय ले रही है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधी भर्ती की व्यवस्थाएं सरकार ने की है, लेकिन उसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती न हो, उससे आउटसोर्सिंग पद भरे जाए, इसमें भी हमने आज अपनी बात यहाँ पर रखी है और आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के माध्यम से हम लोग इस बात का आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं कि जो एक व्यवस्था पदों की बनी रही सीधी भर्ती की बनी रहना चाहिए। और जो आज बैठक हुई, लगभग 40-42 जिलों के शिक्षकों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और हम सभी उनके मांगों के लिए और उनके मांगों के निराकरण के लिए हमेशा एक साथ होकर एकजुट होकर आगे जो भी कार्यवाही करनी पड़ेगी वो तो करने के लिए तैयार है। मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश रव की तरफ। आज जो मैं धर्मेंद्र सिंह, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, आज समस्याएं शिक्षकों की स्थानीय समस्याएं, स्थानीय समस्याओं को लेकर उनको संग्रहित किया गया, उस स्थानीय समस्याओं को संग्रहित कर एक ज्ञापन तैयार किया गया, वो ज्ञापन आयुक्त महोदय तक जाएगा और अपने शिक्षक समस्याओं को निदान करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस भोपाल। मैं आरपी सिंह, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, क्रांति प्रमुख महामंत्री हूँ। आज का हमारा ये ऐतिहासिक सम्मेलन भोपाल में आयोजित था, जो वास्तव में दीपावली मिलन के रूप में था। आज देखिए सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक साथी आए और मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस शिक्षकों की जायज मांगों के लिए लड़ाई करता है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। आज मंच पर 20 संगठनों के प्रांताध्यक्ष उपस्थित, यानी हम शिक्षकों की वास्तविक मांग करते हैं। हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं तो हम अपनी बातें शासन से बड़े ही सारगर्भित रूप से रखते हैं और हमारी जो जायज मांगे हम केवल उसके लिए ही प्रयास करते हैं। और जायज मांगे हमारे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि शासन नहीं दे सकती। हमारे मुद्दे हैं जैसे मध्य प्रदेश में सारे कर्मचारियों को 35 साल में चौथा समयमान दिया गया, केवल सहायक शिक्षक शिक्षक संवर्ग को नहीं दिया गया। तो मैं चाहता हूँ शासन इस पर विचार करे और उनकी जायज मांगे दें। और जो हमारे अध्यापक और नवीन संवर्ग हैं उनकी एक मांग बहुत ज़बरदस्त है कि उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दे दी जाए ताकि रिटायरमेंट में उनको लाभ मिले। बाकी लाभ तो शासन दे ही रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, केवल रिटायरमेंट के समय को नुकसान है वो दे दे। और हमारे गुरु जी जो हमारे सम्मिलित हैं उनकी भी वही समस्या है। सारे काम शिक्षक ही करता है, चाहे वो लोकल लिस्ट वाले है, तमाम काम शिक्षक के साथ काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही बोला सर। देखिए पूरा समाज और आप क्या मानते हो, शिक्षक कर्मचारी नहीं मानते हैं, आप राष्ट्र निर्माता मानते हैं। हम राष्ट्र निर्माता हैं
राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण होता है। हम बुद्धिजीवी वर्ग के आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो शासन भी हमारे इस बात को जानता है और हर महत्वपूर्ण काम हमसे लेता है। हम कभी ची तक नहीं करते थे, तो हम चाहते हैं शासन हमारा जो है इन्हीं सार्वगर्भित बातों को लेकर के शिक्षकों को थोड़ा अलग दर्जा दे और उनकी जायज मांग को पूरी करें। बहुत सारी मांगें शिक्षकों की नहीं है, अगर शिक्षक खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माता में अच्छे राष्ट्र का निर्माण तो होगा ही। तो हमारी बहुत मांगे नहीं है, शासन से करबद्ध निवेदन है कि हमारी जायज मांगों को पूरा करें, 35 साल में 14 समयमान दे दें, ये हमारी बहुत जायज मांग है। और हमारे नवीन अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दे दें, और OPS का मुद्दा शासन तो धीरे धीरे कर रही है, मैं चाहता हूँ शासन उसको भी पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का कार्यकारी प्रवक्ता अध्यक्ष। आज ये मध्य शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन जिसमें प्रमुख रूप से OPS की मांग और वरिष्ठता हमारे अध्यापक संवर्ग की जो है उसकी मांग, और 35 वर्ष की सेवा जिनकी हो गई है उनको चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर आज हमने बैठक की है और बैठक के बाद एक बड़ी रणनीति प्रदेश स्तर पर हम बना करके और आगामी जो है कमी कंसन भूख हड़ताल और उसके बाद फिर पूरी तरह से अपन अनशन करेंगे और पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों के संबंध में एक रुख करके हम इन मांगों के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार से 4 लाख करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।